हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लीना। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे दिल्ली का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड मटर कुलचा वाले मटर। इसे बनाना आसान है, टेस्टी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं प्योर रेसिपी के साथ। फ्रेंड्स, हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट लिए हैं वो देख लेते हैं। ये है 1 कप मटर, सफेद वाले मटर। यह है इमली का पल्प, एक छोटे आंवले के साइज की इमली को मैंने 1/2 कप पानी भिगो के उसे अच्छी तरह से मैश करके पानी निकाल लिया। ये है 1 बंच जितना धनिया, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और 1 मिर्च। क्योंकि मैं मिर्च तीखी वाली यूज करती हूँ तो मैंने क्वांटिटी यहाँ कम रखी। अगर आपके पास ये मिर्च ना हो, तीखी वाली हरी मिर्च की और लाल मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा लें। ये है बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, कसूरी मेथी, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून से भी कम गरम मसाला। यह है 1.5 चम्मच, 1.5 टीस्पून भुना हुआ जीरे का पाउडर, बड़े साइज की 1 प्याज कटी हुई, यह है मध्यम साइज का 1 टमाटर कटा हुआ और नमक स्वाद के अनुसार। तो आइए बनाते मटर कुलचा। के जो मटर होते हैं वो इस तरह के सफेद मटर है। ये सफेद मटर आपको 1 कप लेना है और इसे भिगो देना कम से कम 5-6 घंटे के लिए या ओवरनाइट। 6 घंटे के बाद हमारे मटर भीग के अच्छे फूल गए हैं, इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। सोक किए हुए मटर को हम डाल देंगे प्रेशर कुकर में। इसमें डालेंगे पानी, पानी हमें इतना डालना है कि मटर डूब जाए, मटर के ऊपर इतनी जगह रहे उतना डालना है। इसी के साथ हम डालेंगे बहुत ही कम, 1 पिंच जितनी हल्दी। मटर ऑलरेडी थोड़े से येल्लो हो गए, इसका कलर और थोड़ा सा एनहांस करने के लिए 1 चुटकी हल्दी डाल रहे हैं। 1 चुटकी से ज़्यादा हमें बिल्कुल नहीं डालना। थोड़ा सा नमक। अब हमें इसे पकाना है 3 से 4 विसल तक, जब तक मटर पक ना जाए। और इसे हमें गलाना नहीं है, सिर्फ दाने अच्छे से मैश हो जाए वैसा पकाना है, गलना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे मटर पक चुके हैं। अब हमें वेट करना है जब तक इसमें से हवा रिलीज ना हो जाए। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। बस मटर पकने के बाद कुछ ऐसे दिखेंगे। आप इसे अगर प्रेस करते हो तो ये आराम से मैश हो जाएगा। अब हमें इसे अच्छे से ठंडा करना है। सबसे पहले इमली वाला पानी बनाएंगे। इमली का पानी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कटोरी धनिया लिया है, थोड़ा सा अदरक, 1 मिर्च। इसी के साथ डालेंगे इमली का पानी और इसे पीस लेंगे। अब हम निकाल लेते हैं इसे एक बाउल में। फ्रेंड्स, मटर ठंडे हो गए हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे प्याज। ये 1 प्याज है बड़े साइज की, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा प्याज, लास्ट में डालने के लिए रखेंगे। ये मीडियम साइज का 1 टमाटर है, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ये डालेंगे। थोड़ा सा धनिया। ये सारी चीजें आप अपने फैमिली के टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून काला नमक, 1.5 चम्मच यानी कि 1.5 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इसे हो सके उतना अच्छे से हमें हाथ से मैश कर लें। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। यह है गरम मसाला, 1/4 टीस्पून से भी नहीं, हमें ज़्यादा नहीं डालना। 1/2 टीस्पून चाट मसाला, थोड़ा सा नमक। अब हम इसमें मिलाएंगे जो इमली वाला पानी हमने मिक्सी में पीसा था वो। ये आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। मैं अभी 3/4 कप डालूंगी, फिर टेस्ट करके बाद में ऐड। इसे मिला लेना है। फ्रेंड्स, कई जगह ढेले में तो इसी तरह से कच्चा ही सर्व किया जाता है, इसे पकाया नहीं जाता, और कई जगह इसे हल्का सा रोस्ट किया जाता है। आज हम इसे रोस्ट करेंगे। अगर आप चाहें कच्चा भी सर्व कर सकते, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मटर को रोस्ट करने के लिए हम थोड़ा सा बटर डालेंगे
और इसी के साथ डालेंगे थोड़ा सा तेल। फ्रेंड्स, ठेले वाले एक बड़े से लोहे के तवे में इसे रोस्ट करते हैं, उसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है, पर वैसा तवा घर पे अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए मैं आज ही कढ़ाई में तेल और मटर थोड़ा सा गर्म हो गया। अब ये जो मटर हमने तैयार किए थे उसे डाल देंगे और इसे हाई फ्लेम में पकाएंगे, इससे इसका फ्लेवर हल्का सा एनहांस हो जाएगा। कई ठेले वाले तो कच्चा ही सर्व करते हैं, गरम गरम मटरे में ये सारी चीज़ें डाल के हमें दे देते हैं और कई जगह इस तरह से हल्का सा रोस्ट किया जाता है। जब ये मिक्सचर साइड में इस तरह से लगने लगे तो समझिए हमारा मिक्सचर तैयार है। हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना, बस हल्का सा रोस्ट करना था। इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू, या आपके टेस्ट के अनुसार आपको कितना डालना है, क्योंकि हमने इमली भी डाली है तो नींबू आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। मैंने यहाँ 1 टीस्पून के आसपास डाला है। अब हम करेंगे इसे सर्व। इसी के साथ थोड़ी सी कच्ची प्याज, कच्चे टमाटर, धनिया, कटी हुई बारीक हरी मिर्च। मटर कुलचे के मटर बनके तैयार है फ्रेंड्स, सर्व होने के लिए। इसे सर्व किया जाता है कुलचे के साथ। फ्रेंड्स, दिल्ली के फेमस ठेले वाले मटर बनके तैयार है, इसे मैंने सर्व किया होममेड कुलचे के साथ। तो फ्रेंड्स, आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कमेंट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी लिए। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।